दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सियाराम स्टॉक्स में। दोस्तों, हम सभी टाटा से बहुत प्यार करते हैं, टाटा पर हमें भरोसा है, टाटा के बिजनेस सेंस पे हमें भरोसा है और उनकी ईमानदारी पे हमें भरोसा है। टाटा से लोगों को लगाव है क्योंकि वो देश प्रेमी आदमी हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम टाटा की ग्रोथ में निवेश कर दें तो हम काफ़ी सेफली एक कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह आती है कि टाटा की इतनी सारी कंपनीज़ हैं, कौन सी कंपनीज़ में हम निवेश करें? और अगर टाटा की हर कंपनी में भी हम निवेश करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टाटा की हर कंपनी का एक एक शेयर भी ले लें तो उसके लिए हमारी जेब में 22,000 रुपये होने चाहिए। मतलब टाटा की हर कंपनी का एक एक शेयर ख़रीदना है तो उसके लिए 22,000 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। अब जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, उससे आप ये जो 22,000 रुपये के शेयर ख़रीदने वाले हो, ये आपको मात्र 2,000 रुपये में मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो कैसे? जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ या जिस कंपनी की बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ये टाटा की सभी कंपनीज़ के शेयर्स को होल्ड करती है, यानी पूरे टाटा के ग्रुप को होल्ड करती है। और अगर हम इस कंपनी में निवेश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम टाटा की सभी कंपनीज़ में निवेश कर देंगे। तो इसलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। सीधा देखते हैं, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी अगर हम सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो आप देख पाओगे इसमें 73.838% होल्डिंग प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 0.87% FI, 0.42 DI और गवर्नमेंट की भी इसमें 0.49% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास मात्र 24.83% की होल्डिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आता है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के रिजर्व टू डेप्ट रेशियो की, ये कंपनी का रिजर्व टू डेप्ट रेशियो कैसा है। अगर हम ध्यान दें, कंपनी के पास 20,117 करोड़ रुपए का रिजर्व है और कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, यानी कंपनी पूरी तरीके से डेप्ट फ्री है और कर्ज के मामले में कंपनी का पिछला रिकॉर्ड भी काफ़ी साफ है। अगर हम इसके रिजर्व पर ध्यान दें तो आपको एक चीज़ जो नोटिस करने वाली मिलेगी वो काफ़ी पॉजिटिव यह है कि कंपनी का रिजर्व हर साल बढ़ा है, एक भी साल कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आया है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि टाटा की इतनी सारी कंपनीज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक या दो कंपनी के शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं शेयर का प्राइस। लेकिन अगर हम पूरे टाटा ग्रुप कि सभी कंपनीज में निवेश करते हैं या एक ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो टाटा के सभी कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें गिरावट आए। वो इसके कंपनी के शेयर्स के नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की ईयरली सेल्स की, तो आप देखोगे कंपनी की ईयरली सेल्स में मार्च 2022 में कंपनी की सेल हुई है 253 करोड़ रुपए की, जो 2021 में मात्र 140 करोड़ रुपए की थी। और अगर हम पिछले 12 महीने का कंसिस्टिव डाटा देखें तो 321 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है। इसी चीज़ को हम अगर कंपनी के हम नेट प्रॉफिट में देखें कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, तो आप देख पाओगे कंपनी इंटरेस्ट भी कोई पे आउट नहीं करी और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट ईयर 109 करोड़, 2021 में 2022 में कंपनी ने 301 करोड़ और पिछले 12 महीने के अगर कंसिस्टिव डाटा को अगर आप देखो तो 265 करोड़ कंपनी ने पिछले 12 महीने में नेट प्रॉफिट अर्न किया है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, यानी कंपनी की मार्केट कैप। आप देखोगे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 11,562 करोड़ रुपए की है। इसका स्टॉक पी जरूर हमें अभी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी की ROC 1.36 और ROE 1.20 दोनों ही हमें पॉजिटिव देखने को मिलती है। शेयर की जो सबसे बड़ी बात है वो है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है। आप देखो इसकी जो बुक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 3,986 यानी ऑलमोस्ट 4,000 रुपये के आसपास है और जो करंट प्राइस है वो अभी 2,285 या हम कहें ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से आधे पर यहाँ पर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सी बात हमें यह समझ में आती है कि अगर हम आज इसमें 2,000 रुपये निवेश करते हैं तो बहुत सेफली ये हमें 4,000 रुपये बनाकर दे सकता है।
बहुत सेफली बोल रहा हूँ, ये बहुत सेफली आपका पैसा डबल कर सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और दो गुना पैसा तो ये बिना किसी रिस्क के आपका रिटर्न बनाकर दे सकता है। उसके बाद बात करें, देखो कंपनी हमें 2.41% का डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, और अगर कंपनी इतना डिविडेंड पे आउट कर रही है तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल कंपनी बिजनेस कर रही है, और इसका जो प्रॉफिट है ना वो बहुत कुछ जो आपके इसके नंबर्स हैं वो डिपेंड करता है टाटा की सभी कंपनीज कैसी परफॉर्म कर रही हैं। तो भाई एक दो कंपनीज में ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपने देखा होगा टाटा की सभी कंपनीज लगभग अच्छा ही परफॉर्म करती हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कंपनी के इस शेयर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कंपनी के जो ग्राफ है, अगर आप एक साल में देखोगे तो एक साल में इसने हमें ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं बात करें 5 साल में, तो 5 साल में इसने हमें 161% के रिटर्न बना कर दिए हैं। और अगर मैक्सिमम में बात करें तो मैक्सिमम में कंपनी ने रिकॉर्ड 3060% के आसपास के रिटर्न हमें बनाकर दिए हैं। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आने वाले समय में जैसा मैंने आपको दिखाया अभी अपनी बुक वैल्यू से कंपनी ऑलमोस्ट आधे पर ही ट्रेड कर रही है, तो काफ़ी अच्छा समय है इसमें निवेश करने का। अगर हम इसमें आज निवेश करते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर यह आपका पैसा डबल कर देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं यही कहूँगा अपनी स्टडी ज़रूर ऐड कर लेना, अपनी स्टडी ऐड करोगे तो एक राइट और एक सही डिसीजन आप इस स्टॉक के ऊपर अपना बना पाएंगे। किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। फिर से दोबारा इसे मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर दूं, ये टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज के शेयर्स होल्ड करती है, तो इसलिए जो भी टाटा जो ग्रुप है वो जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो ये शेयर भी उसी तरीके से ग्रोथ करेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही अन्य आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन समय रहते हम आपके साथ साझा कर पाएँ।